आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा का हुआ छपरा में भव्य स्वागत। छपरा भाजपा महिला मोर्चा मंडलों और जिला कार्य समिति की लगातार बैठकें की जा रही है और संभावित रणनीति पर विचार विमर्श का दौर जारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की आज छपरा में जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं जिला अध्यक्ष अनु सिंह ने आगत अतिथियों को स्वागत किया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महिला मोर्चा की अध्यक्ष लाजवंती झा ने कहा कि हम बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और सारण जिला में सभी 10 विधानसभा सीट जीतना चाहेंगे और एनडीए सरकार को मजबूत बनाएंगे। वहीं नीतीश कुमार के विकास का भी उन्होंने जिक्र किया। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार में राज्य सरकार द्वारा कोविड संकट के दौरान काफी मदद की गई है। प्रवासी बिहारियों को दूसरे प्रदेश से लाना, उनके भोजन पानी की व्यवस्था, उनको घर तक पहुंचाना, यह सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से निभाई है और उनके रोजी रोजगार का साधन भी उपलब्ध करा रही है। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। महिला कार्य समिति की बैठक है जिसमें हम लोग प्रदेश अध्यक्ष बड़ी वहाँ लाजवंती झा आई है, जिसमें हम लोग बूथ स्तर और सब तरीके से मनाया जा रहा है। उसमें हम लोग विधिवत चर्चा की है कि हम लोग टोली बनाकर आगामी चुनाव के लिए घर घर जहाँ पहुँच सके, जहाँ कोई न पहुंचे वहाँ महिला पहुंचे और 10 विधानसभा में एनडीए के गठबंधन की टोली में जाए। इसीलिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं भारी महोत्सव से पंचम लहराने के लिए। आज छपरा जिले की महिला मोर्चा की प्रथम कार्य समिति थी और ये एक संगठन की रूटीन काम है, ये नियमित चलने वाली निरंतर चलने वाली कार्य है। उसी के तहत इस कार्य समिति की बैठक की आयोजन की गई थी। निश्चित रूप में 2020 चुनाव आगे है तो उसको भी ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि हमारी सभी बहनें वैसे भी बूथ स्तर पे सभी कार्य कर रही हैं और उनमें एक ऊर्जा आए, एक गति की संचार हो, इसलिए इस कार्यक्रम में उन लोगों में एक ऊर्जा भरने का काम किया गया और हमारी सभी बहनें हर एक बूथ पे अपनी उपस्थिति महिला मोर्चा की बनाए और घर घर जाके जो जनसंपर्क का काम है प्रधानमंत्री जी द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए कार्यों को पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग एनडीए के पक्ष में वोट करें और फिर हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने में, एनडीए की सरकार बनाने में बिहार में सक्षम हो, इस तरह हम लोग आज यहाँ जी। हम जिस तरह से हमारे मूल कमेटी में सप्तऋषि का गठन किया गया है, उसी तरह से महिला मोर्चा हर एक बूथ पे सप्तसखी का गठन कर रही है। सप्तसखी में हमारी 7 बहनें होंगी जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उसमें 2 हमारी जीविका दीदी हैं, 2 हमारी पंचायत की जो प्रतिनिधि है जो पूर्व में चुनाव लड़ी है, चुनाव जीती है, हारी है, जो भी हो पंचायत में उनकी भागीदारी रही हो, 1 उसमें आशा दीदी है, 1 आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता है और 1 प्रथम बार जो मतदाता बहनें हमारी हैं, वो इन 7 बहनों को लेकर हम एक कमेटी बना रहे हैं सप्तसखी के नाम से और इनका कार्य मुख्य रूप से होगा घर घर जाके जनसंपर्क करना और मतदान के समय में जो मतदाताएं घर से नहीं निकलते हैं उनको बूथ तक जाने के लिए प्रेरित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है।